थोड़ा 12th स्टैंडर्ड रिवाइज करते हैं. यू आल्सो प्लीज टॉक विद मी. Assume this is A, this is B. What will be this? A square plus B square. Okay? Sure. This is theta. Sin theta is what? B by root of A square plus B square. Cos theta is what? A by root of A square plus B square. Tan theta is what? B by A. Cosecant is what? Root of a square plus b square by b inverse of sine. This is also equal to 1 by sine theta. And 1 by cos theta is equal to what? Secant theta, which is equal to a square plus b square by a. 1 by tan theta is equal to what? Cot theta, which is equal to a by b. Basic stuff, pretty basic stuff. Another basic stuff. Now, angles भी बताओ, sin 0, जरूरत नहीं, very good. Sin of minus x is equal to minus sin x. Cos of minus x is equal to cos x. Tan of minus x is equal to minus tan x. Sin, ये important है. Pi by 2 minus x is equal to, जिनको ये पता नहीं है ना, x की जगह 1 degree लिख के देखो. तो क्या हो रहा है, अपने को क्या याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स, या एवरीवन इज पॉजिटिव ऑल, यहाँ पे साइन कोसाइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस सेट पॉजिटिव. पाई बाई टू माइनस विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एंड व्हेनेवर वी हैव ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ साइन है तो कॉस आ जाएगा. और साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो. और कौन सा है, ये साइन है, तो साइन क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा. व्हेनेवर वी हैव पाई बाय 2, साइन विल चेंज टू कॉस, ठीक है. और इसका साइन जो है हम ये एंगल से डिसाइड करेंगे. एक्स की जगह 1 डिग्री लगा के देखो, पाई बाय 2 माइनस 1 डिग्री इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ सम पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव कॉस ऑफ एक्स, ठीक है. तो अगर मैं साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू पूछ लेता हूँ, सेम 1 डिग्री लगा के देखिए, 1 डिग्री लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस 89. तो इधर से प्लस 90 डिग्री है, तो इधर से माइनस 90 डिग्री, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है. साइन जो है कॉस बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है. इसका साइन देखना है, इसका नहीं देखना है. ऐसे मत बोलो कि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया. और दूसरा, अगर इसको ध्यान में रखे तो ये पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स आया, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है. तो सेम थिंग, ऐसे पाई बाई टू माइनस एक्स बताइए क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, साइन एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है. साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आएगा, पाई पाई, व्हेनेवर यू डूइंग विद पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, साइन विल नॉट चेंज टू कॉस, साइन साइन ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन एक्स. और नेक्स्ट वाला क्या होगा, पाई प्लस एक्स नेगेटिव कॉस एक्स. कीप सम पेशेंस, यू नो दिस वेरी गुड, डोंट नो यू लर्न इट. साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब 1 डिग्री लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस साइन इन है. कॉस में बताइए, कॉस पाई माइनस एक्स इज व्हाट, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ जी, हाँ माइनस कॉस एक्स, ये भी ओके, बेसिक स्टफ. इसके बाद क्या याद रखना है, ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास हो गए. अगर आपको लिखना है तो वो भी लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज, और ऐसा ही क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा,
1 plus cos square theta is equal to minus cosecant square theta. Is it? Very good. तो ये क्या बनेगा cos square plus sin square equal to नहीं cosine के लिए always minus आता है मुझे ऐसे ही आता है no problem चलो ये basic तीन चीजें हो गई inverse में अगर मैं बात करना चाहूँ तो sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 same tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 the other one is secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to 5 by 2. I am not expecting answer. Okay, next. Basically, integration is what? I am talking about indefinite integration. Indefinite integration ka matlab kya hai? We are talking about integration now. Okay, integration. Integration mein there are two things. First one is indefinite, the other one is? Definite integration. What is indefinite integration? Integral fx dx. Whenever I do not write any limits, it is called indefinite integration. Iska definition kya hai? Yahan se paida hua, it is ulta of differentiation. Anti derivative bhi bol sakta hu main isko. Theek hai? Anti derivative is also called as my indefinite integration. Whereas if I talk about definite integration a to b f of x dx, this will come out to be a number. Okay? When I talk about whenever I have limits f of x dx, इसको मैं definite integration बोलूँगा. ठीक है? और इसका answer always क्या आएगा? सोच लीजिए f of x का integration हुआ g of x. और इसमें limits put करूँगा a to b. तो ये क्या बनेगा? gb minus ga. तो ये नंबर आएगा ये नंबर क्या स्पेसिफाई करता है ये नंबर स्पेसिफाई करता है एरिया कवर्ड बाय द एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू ए लाइन एंड एक्स इज इक्वल टू बी लाइन ठीक है वो फंक्शन के लिए होता है बट यूजुअली द मेन दिस थिंग इज एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है एक्स इज इक्वल टू बी लाइन है ये एफ ऑफ एक्स है व्हेन आई एम डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी f of x dx मतलब I am calculating the area of this ठीक है ये specific applications में देखेंगे but एक चीज ये याद रखिए indefinite integral is always anti derivative definite integral is always a number which corresponds to the area ठीक है समझ में आया very good now we'll write some basic formulas of differentiation I'm really sorry integration Integration of a constant is what? Integration of a constant dx is equal to kx plus c. Integration of x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus c, where n is not is equal to minus 1. Integration of 1 by x dx is what? ln mod x plus c. This may negative nahi aa sakta. Theek hai? Not defined. Integration of e power x dx is what? E power x plus c. Integration of a power x dx is what? A power x by log a plus c. ठीक है? ये क्लास है. दूसरा. Integration of sin x dx. Minus cos x plus c. Integration of cos x dx. sin x plus c integration of tan x log of secant x plus c ये कहाँ से आया इसका प्रूफ देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा आई कैन राइट sin x by cos x dx लेट cos x इज इक्वल टू t तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt तो ये क्या बनेगा इंटीग्रल माइनस dt by t विच इज इक्वल टू ln mod t विच इज इक्वल टू ln 1 by t विच इज इक्वल टू ln secant x plus k ठीक है
cos x. Integration of secant x is equal to वो कहां से आया? Integration of secant x dx is equal to log of secant x plus tan x plus k. ले लीजिए इसको, secant x ले लीजिए, multiply and divide by secant x plus tan x. तो क्या आएगा? Secant x plus tan x dx. Secant x का derivative क्या है? Secant x का derivative is secant x tan x. Secant x tan x. Tan x का derivative is secant square x. Now if I take secant x plus tan x as t, उसका derivative ऊपर पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 by t. तो आंसर क्या आएगा? Log of t. और इसमें negative values नहीं जा सकते, तो mod लगा दिया मैंने. ठीक है? तो मैं आया इसका derivation. No, no. Tan हो गया, secant हो गया. Cosecant बताइए. Cosecant x dx is equal to माइनस ln cosecant x plus cot x plus k. इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is equal to ln mod माइनस ln mod cx. ठीक है, माइनस cot x, cot x is माइनस cot x. इंटीग्रेशन ऑफ cot x is equal to ऊपर वाला इसका माइनस नहीं आएगा, नहीं माइनस आना चाहिए अंदर में, माइनस और कोसेकेंट से माइनस कोसेकेंट नहीं. कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट? कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा. इस प्रॉपर करके देखिए एक बार. ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस नहीं होगा या कॉस बाय साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, हां पॉजिटिव. ठीक है, अगर नेगेटिव लिख रहा हूं तो कोसेकेंट लिखिए, बस नेगेटिव लिख रहा हूं तो कोसेकेंट लिखिए, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं तो साइन लिखिए. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स, सेकेंट एक्स टैन एक्स इज सेकेंट एक्स. Integration of cosecant x cot x is minus cot x. ठीक है, राइट. नाउ यहां तक सबको आते हैं, इसके बाद का बताइए इनवर्स और उनके काउंटर पार्ट्स. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx इज व्हाट? Sin inverse x plus k. Integration of root of 1 plus x square dx is what? Tan inverse x plus k. Integration of x into under root of x square minus 1 dx is what? Secant x. Secant x plus k. Proper? अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो पार्ट आएगा, माइनस लगा दूंगा तो कॉस आएगा, माइनस लगा दूंगा तो कोसेकेंट आएगा, सेम थिंग. ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के. इसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए? इसके लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, विच इज इंटीग्रल u प्लस v प्लस और माइनस dx इज इक्वल टू इंटीग्रल u dx प्लस और माइनस इंटीग्रल v dx. इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू व्हाट? u v इज व्हाट? u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v
dx इसको ये निकाल लीजिए, दिस इज प्रॉपर माइनस u इज इक्वल टू u इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v, जिस किसी पे मैं उस पे लिख दीजिए, ठीक है, ये पूरा dx में होगा, ये dx में ही होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो dx, ठीक है, एंड ये u भी कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, i ले, i में, i माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लाइक साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, साइन h इनवर्स x, कॉस h इनवर्स x, एंड सो ऑन, ठीक है। l मतलब लॉगरिथम, a मतलब अलजेब्रिक, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो जो भी दो फंक्शंस रहेंगे उसमें से इनमें से कौन सा पहला आएगा वो u होगा, कौन सा दूसरा आएगा वो v होगा, ठीक है। यहाँ पे तो साइन इनवर्स ही है, यूजुअली आप इनटू वन करोगे dx करोगे, ठीक है। तो इसमें u कौन होगा, साइन इनवर्स u होगा, वन v होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स x इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल x dx, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x sin x x माइनस ये इंटीग्रल x अल्टीमेटली x बन जाएगा x dx, ठीक है। तो ये क्या बना, x sin इनवर्स x, यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूं, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक तरीके से इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो 1 बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 बाय 3 रूट एक्स, 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स इज व्हाट, 2 बाय 3 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस, ठीक है। तो क्या आएगा, x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, वो आएगा ना, टू रूट एक्स, बता दीजिए ना। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1 बाई 2 टू रूट एक्स इसके, तो ये रिजल्ट बना, ठीक है। कॉस का बताइए, ऐसे ही कॉस का बताइए, कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रल कॉस इनवर्स एक्स dx इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस सेम थिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के और सी व्हाट एवर इट इज, सेम थिंग आएगा, बस एक माइनस का फर्क होगा, बाकी सब सेम आएगा, क्योंकि sin inverse का differentiation 1 by under root of 1 minus x square है, तो cos inverse x का minus 1 by under root of 1 minus x square, तो minus 1 आ जाएगा। integral of tan inverse x बोलिए, integral of tan inverse x dx is x tan inverse x plus 1 by 2 ln 1 plus x square plus k, ठीक है। अगेन uv, u इंटीग्रल v प्लस इंटीग्रल u डैश 1 बाय x square इनटू u v, तो u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल v dv, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, x tan inverse x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इज x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, यहां पे क्या करूं 1 बाय 2 2, तो इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो ये क्या बनेगा,
x tan inverse x minus 1 by 2 ln mod 1 plus x plus k. ठीक है, cot inverse का क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, x cot inverse x plus half. सबको समझ में आ रहा है, कोई नहीं फॉर्मुला सब्स्टिट्यूट करना है, विल हैव टू डिराइव, दैट्स इट. डब कर रहा हूँ ये मैं. सीगेंट इनवर्स का बताइए, सीगेंट इनवर्स, सीगेंट इनवर्स का बताइए, सीगेंट इनवर्स का क्या होगा, इंटीग्रल सीगेंट इनवर्स x dx इज इक्वल टू के u है v 1 है, तो x secant inverse x minus integral of secant inverse का differentiation x under root of x square plus 1 into x dx. तो ये x x गया, तो ये क्या बचा, x secant inverse x minus integral of root of x square minus 1 dx. इसको अलग से compute कीजिए, इसको अलग से compute करेंगे तो क्या आएगा, under root of x minus 1 dx is equal to, यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे tan theta लगाऊं तो tan square minus 1 is secant square, 1 plus tan is equal to secant, secant square minus 1, तो मैं x is equal to secant theta लगाऊंगा. ठीक है, तो dx क्या बनेगा, secant theta tan theta d theta. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल secant theta tan theta d theta by secant square minus 1 is under root of tan square, तो ये tan theta बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ये गया, इंटीग्रल secant theta is, इंटीग्रल secant theta is log secant theta plus tan theta. तो इसको मैं x में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, log x plus under root of x square plus 1, proper. तो इसके आगे एक माइनस आ जाएगा, इसके आ जाएगा x secant inverse आ जाएगा, सही बताया, वो secant inverse कर कीजिए, यहाँ पे प्लस आएगा x cosine inverse mod plus ln x plus root under x. Everything will be same except here sign, because यहाँ पे उसका differentiation में यहाँ पे एक plus आएगा. Integration of sin hx will be integration of sin hx hyperbolic. Cos hx, cos hx will be sin hx. Tan hx will be log में आएगा ना, जैसे आपके सर्कुलर फंक्शन से वैसे ही हाइपरबोलिक होंगे, बट माइनस में इधर उधर होगा, करना पड़ेगा वैसे, ये रब कर रहा हूँ. बताइए कोसेकेंट इनवर्स का क्या आएगा, कोसेकेंट इनवर्स का क्या आएगा, नाउ ये लिख लिए ना, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इज इज कंपल्सरी दैट माई फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस. मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ डेफिनेट या इंटीग्रल, डेफिनेट में ही आएगा ये पॉइंट, तो इनडेफिनेट में तो आप बिना लिमिट्स के आप किसी भी एक रीजन में कर रहे हो, सोच दीजिए जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है. अज्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब सोच दीजिए मैं कर रहा हूँ माइनस वन टू प्लस वन, वन बाई एक्स डी एक्स, कैन आई डू दिस. हम पहले कैलकुलस शुरू कैसे किए थे, लिमिट से शुरू करे थे, कंटिन्यूटी चेक किए थे, अगर लिमिट एक्सिस करेगा तो ही कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा तो ही डिफरेंशिएट होगा. फिर मैंने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा, उनके एप्लीकेशंस पढ़े, फिर इंटीग्रेशन पे आया. इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डिफरेंशिएशन. तो उल्टा जाने के लिए इज योर फंक्शन कंटिन्यूस, मतलब शुड बी योर फंक्शन कंटिन्यूस, यस नो, सो इज दिस डिफरेंशिएशन वैलिड और नॉट, जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्टली. माइनस वन टू वन कंटिन्यूसली मैं जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरा
फंक्शन जो है एक पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, कौन सा पॉइंट है वो, जीरो पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है कि नहीं। वन बाय एक्स का ग्राफ कैसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा ना वन बाय एक्स का ग्राफ, राइट। तो एट माय पॉइंट जीरो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो आई कैन नॉट फाइंड इट, सो व्हाट विल आई डू, I will try to find it like this, minus 1 to 0 fx dx plus 0 to 1 fx dx, मैंने इस ये पॉइंट को ओमिट करके उससे पहले वाला उसके बाद के वाला निकालूंगा, ठीक है। तो this is possible, this is not possible, and obviously this will be equal to this, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो your function has to be continuous if you are doing differentiation and if you are doing integration, because if differentiation is possible then only the integration is possible, ठीक है। But when I am talking about indefinite integral, I will assume that this is continuous in certain domain and मैं उसी में differentiation कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई function कुछ ना कुछ domain में continuous होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसका anti differentiation करूँगा, ठीक है। But specifically when limits are given, you have to make sure that in the specified limits the function is continuous, समझ में आया। Don't forget this. Anti-differentiable होगा ना, integration का basic कहाँ से निकला, differentiation का उल्टा ही integration होता है। तो उसको उस पॉइंट पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, उसको स्प्लिट करके ही करोगे आप। ट्रायंगुलर फंक्शन अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो यू ऑब्वियसली, इफ यू से ट्रायंगुलर फंक्शन, यहां से यहां इसका एक लाइन होगा, यहां से यहां दूसरा लाइन होगा, यू कैन नॉट टेक दिस एज अ होल फंक्शन, यू विल स्प्लिट इट फ्रॉम 0 टू 1 एंड 1 टू 2 एंड इसको अलग फंक्शन लेके डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंटीन्यूअस है और इन दोनों के बीच में कंटीन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। At this point it is not differentiable, so that's why मैं 0 को 2 को 0 से 1, 1 को split करके accordingly करता हूँ। तो क्या है? इस point पे function differentiable नहीं है ना? नहीं है। तो बस वहाँ पे differentiable नहीं है तो anti differentiation भी नहीं निकाल सकते। तो उससे पहले function को differentiate? उससे पहले ही कर रहे हो ना आप 0 to 1, 0 to 1 का मतलब यहाँ से यहाँ कर रहे हो ना? एग्जैक्टली उससे पहले तक या दिस जस्ट पॉइंट तक। अभी से इस केस में बात नेगेटिव है, उस केस में बात हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, है कि नहीं? और इसे आप नॉनसेंस पर गेट अबाउट इट, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। इंटीग्रेशन इज बेसिकली उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है उस कंटिन्यूस डोमेन में तो वो फंक्शन जो भी डोमेन दिया है उसमें कंटिन्यूस है, ठीक है, फाइन। कोसेकेंट एक्स का क्या आया, कोसेकेंट एक्स डी एक्स का, कोसेकेंट एक्स डी एक्स का क्या आया, एस कोसेकेंट एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन साइन ऑफ थीटा इज व्हाट, कॉस एक्स थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स थीटा इज व्हाट, sin x theta. Integration of tan x theta is what? Tan x theta is sin x theta by cos x theta d theta. So if I take cos x theta is equal to t, sin x theta d theta is equal to dt. So it will be what? 1 by t dt, which is ln t, which is equal to ln sin h theta plus k, is it? जो भी मैंने लिख दिया है वो लॉग ऑफ आएगा, ठीक है। secant x का क्या आएगा, secant x theta का क्या आएगा, secant x theta का क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ secant x theta d theta,
इसके फॉर्मूलास बताइए पहले तो, साइन एच स्क्वायर थीटा में रिलेशन बताइए हाइपरबोलिक में, साइन एच स्क्वायर माइनस होगा शायद ये, कॉस एच स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और सीकेंट एच स्क्वायर थीटा प्लस टैन एच स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. These things are right. If someone remembers these things, देखो याद है हाइपरबोलिक साइन एच स्क्वायर थीटा माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से, माइनस कॉस एच स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, सेकेंट एच स्क्वायर प्लस टैन एच स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, और कोसेकेंट में भी ऐसे कुछ होगा, कोसेकेंट एच स्क्वायर थीटा प्लस कॉट एच स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जस्ट चेक दिस वन, आई एम नॉट श्योर. तो सेम थिंग अगेन, इसके ऊपर ही हम ये रिले करके ये सारे निकाल सकते हैं, ठीक है. वरना द अदर मेथड इज आप क्या कर सकते हो, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करके यू कैन ऑलवेज डू इट. हाइपरबोलिक में क्या होगा, साइन एच एक्स का फॉर्मूला साइन एच थीटा इज इक्वल टू ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा बाई 2, कॉस एच थीटा इज इक्वल टू ई पावर थीटा माइनस थीटा बाई 2, टैन एच थीटा इज इक्वल टू ऊपर थीटा माइनस ऊपर माइनस थीटा बाई ऊपर थीटा प्लस ऊपर माइनस थीटा, ठीक है. तो ये सब ध्यान में रख के हम कर सकते हैं. धीरज इज नॉट राइटिंग एनीथिंग. है धीरज सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक क्लास में देखते रहते हैं. हां हां सेम वाला स्टडी है. लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बताइए, प्रॉपर्टीज क्या क्या है. दीज आर इंपॉर्टेंट मैन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी. If I change the variable, the integration doesn't change. It's all right for the integration. Second, if I change the limit, the integration sign will go ulta. The value will remain same. If I go from 0 to a, f of x dx, the integration is equal to 0 to a, f of a minus x dx. इसका प्रूफ कैसे होगा, लेट x इज इक्वल टू a माइनस t, dx इज इक्वल टू माइनस dt. अगर x मेरा a से t जा रहा है तो t कहां से जाएगा, x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a, ठीक है. तो अगर मैं x 0 रखूंगा तो t का वैल्यू क्या होगा, a. अगर मैं x a को रखूंगा, a रखूंगा तो t का वैल्यू क्या होगा, 0. इफ माय x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a, माय t विल गो फ्रॉम a टू 0, एंड f ऑफ x a माइनस x को मैं क्या लिख सकता हूं, t, क्योंकि इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो तो t इज इक्वल टू a माइनस x बन जाएगा. तो a माइनस की जगह मैं t लिख सकता हूं इनटू dt और आगे माइनस या सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो यहां से क्या बन जाएगा, 0 टू a f ऑफ t dt व्हिच इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x dx. ठीक है, f ऑफ a माइनस a माइनस, हां मैंने शुरू किया है इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx से. मैंने यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंचा. जब मैंने यहाँ से शुरू किया a माइनस x इक्वल टू t लिया, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई रीच हियर, मैंने लिया अज्यूम दिस इज माय फंक्शन एंड इसमें मैंने पुट किया a माइनस x इक्वल टू t या x इक्वल टू a माइनस t, सेम थिंग. तो dx इज माइनस dt. इफ माय x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a, माय t विल गो फ्रॉम a टू 0,
things will change accordingly and this will be equal to this. Samajh mein aaya? As I told, samajh mein aaya? Am I speaking fast again? I think they should tell. Fast, slow. Fourth one. Integral a to b f of x dx kya hoga? Integral a to b, same thing. F of a plus b minus x. F of a plus b minus x. Dx ka proof hai. Same on the same lines if you do it become. Fifth property kya hoga? Minus a to a f of x dx is equal to what? Even and odd. 2 times 0 to a f of x dx if my f of x is equal to even function. Even function matlab f of x is minus x is equal to f of x. Very good. And the same thing will be equal to 0 if f x is odd function. That means f of minus x is equal to minus f of x. Okay. ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है डेफिनेट इंटीग्रल के मोस्ट ऑफ द सम्स इन दोनों प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है मोस्ट ऑफ द सम्स इन दोनों प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे स्पेसिफिकली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये मुझे ऐसा लगता है ठीक है नेक्स्ट अगर 0 टू n a f of x dx एंड रिटन एज n 0 टू a f of x dx इफ fx has a period of a. मतलब f of x plus a is equal to f of a x. अगर यहाँ पे 0 to pi sin x dx है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 times 0 to pi by 2 sin x dx. ठीक है? क्योंकि 0 to pi by 2 मेरा sin repeat करेगा ना? Sin कैसे रहेगा? This is cos na. So iska period 0 to pi hua. 2 pi likh lijiye to 0 to pi likh sakte ho. Theek hai? Samajh mein aayi ye cheeze? These five properties are important. Kuch sum do main fir. Simple sums hai. You'll feel happy. देखिए इंटीग्रल माइनस फाइव टू प्लस फाइव इंटीग्रल माइनस फाइव टू प्लस फाइव इंटीग्रल माइनस पांच से प्लस पांच मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स क्या आएगा मेक श्योर दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल्स इफ इट इज नॉट देन स्प्लिट इट अकॉर्डिंगली तो एक और प्रॉपर्टी दिखवाना चाहिए शायद व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी अगेन इफ आई टॉक अबाउट अ प्रॉपर्टी जीरो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स सी उसके अंदर हो या बाहर हो द प्रॉपर्टी विल सिंपल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर है कब बनना आएगा इसका इसको कैसे स्प्लिट करूं मैं माइनस वाई टू माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस माइनस टू टू 5 x plus 2 dx correct तो ये क्या बनेगा minus x square by 2 plus 2x from minus 5 to minus 2 ये क्या बनेगा minus 4 by 2 minus 4 minus ये minus मैंने यहाँ negative किया ना ये माइनस को अगर मैंने अंदर ले लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू
ये माइनस टू एक्स बनेगा, तो जब मैं पूरा माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, फोर बाई टू माइनस टू इंटू टू माइनस 25 बाई टू माइनस 10, तो ये क्या बनेगा माइनस ऑफ, ये तो गया माइनस माइनस प्लस बन गया 2.5। यहाँ से इसको क्या बना, इसका बनेगा x स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स फ्रॉम माइनस टू टू फाइव, तो क्या बनेगा 2 माइनस 4। कैसे काटे माइनस टू माइनस फोर माइनस टू आएगा ना, वो क्लास। हाँ तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 12.5 प्लस 12.5 2.5, यहाँ से माइनस 0.5 आएगा करेक्ट। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 बाई टू प्लस 10 माइनस 2 माइनस 4, ये क्या बनेगा 22.5 माइनस प्लस 2 24.5 प्लस 0.5 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉमन लिख लिया तो अंदर प्लस बन जाएगा, माइनस फोर बाई टू इज टू प्लस टू टू, हाँ जी टू प्लस टू टू प्लस 2.5 बनेगा, ये प्लस बनेगा, क्यों बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, हाँ ये 4.5 बनेगा ना। तो यहाँ से क्या बना, ये 24.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो ठीक है, ये क्या आएगा सेकेंड वन वन, क्यों इसको ग्राफ से भी कर सकते हो ना, इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो 0 to 1 by 3 3x dx प्लस 1 by 3 से 2 by 3 3x dx प्लस 2 by 3 से 1 3x dx 0 to 1 by 3 क्या आएगा इसका 0, 1 by 3 से 2 by 3 1 by 3 माइनस 1 by 3, ठीक है, x एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, यहाँ से 2 by 3 टू 1 कुछ और सवाल, इफ फॉर नॉन जीरो एक्स, If for non-zero x, a f x, a into f of x plus b into f of 1 by x is equal to 1 by x minus 25, then integral 1 to 2 f of x bx is equal to dash, given a is not is equal to b, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये प्रश्न
for a non-zero x, a into f of x plus b into f of 1 by x is equal to 1 by x minus 25. Then integral of 1 to 2 f of x dx is equal to what? Listen, इसका सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे. अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? मुझे f of x चाहिए ना. पहले तो मुझे f of x निकालना आना चाहिए. अगर मुझे f of x आ गया तब मैं उस पर इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. पहले मैं f of x निकालूंगा. f of x कैसे निकालूं? a into f of x plus b into f of 1 by x is equal to 1 by x minus 25. Now, in this one, if I replace x by 1 by x, तब क्या आएगा? a into f of 1 by x minus plus b into f of x is equal to x minus 25, correct? मुझे ultimately f of x चाहिए. जब मेरे पास f of x आएगा तब मैं उसको integrate कर पाऊंगा और ये निकाल पाऊंगा, ठीक है? बट मेरे पास f of x, f of 1 by x है. बट फंक्शन की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर लूँ तो पूरे फंक्शन में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. तो जहां जहां मैं x देख रहा हूँ वहां वहां 1 by x लगा दूंगा. तो ये क्या हो जाएगा? 1 by x plus b f of x is equal to x minus 25. तो इसमें से 1 और 2 को मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मेरा f of x आए, ठीक है? तो 1 और 2 को मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करूं? अगर मैं 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करके और 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि यहां पे b into f of 1 by x है, यहां पे a into f of 1 by x है. तो इसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. तो क्या हो जाएगा? ये a square fx plus ab into f of 1 by x minus ab f of 1 by x माइनस बी स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरफ ए बाई एक्स माइनस 25 माइनस बी एक्स प्लस 25. यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है? तब क्या हो गया? ये कट गया. माइनस बी एक्स इधर है. यहां से क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस बी एक्स प्लस 25 टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है? तो यहां से मैं एफ ऑफ एक्स क्या निकालूंगा? एफ ऑफ एक्स मेरा क्या निकला? एफ ऑफ एक्स मेरा निकला 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बाई एक्स माइनस बी एक्स प्लस 25 into b minus a. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट f of x dx. उसके बाद क्या लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है? 1 to 2. तो ये क्या बनेगा? 1 by a square minus b square into 1 by ax का डिफरेंशिएशन ln x minus bx का डिफरेंशिएशन bx square by 2 plus 25 b minus a x. इसमें लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 1 to तो ये क्या बनेगा? 1 by a square minus b square वैसे ही है. तो a ln 2 minus 2b plus 25b minus a times 2 minus 0 minus b by 2 plus 25b minus a, correct? तो ये क्या बना? यहां से 1 by a square minus b square a ln 2 minus बाकी सब तो मैं मिला सकता हूँ ना, बाकी सब मैं मिला सकता हूँ. तो मैं b by 2 b minus 2 को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? 5b by 2 plus minus अच्छा एक minus तो ये क्या बनेगा?
माइनस 3b बाई 2 और ये क्या बना माइनस प्लस कैसे ये माइनस हो जाएगा ना माइनस 25 b माइनस है ये 50b माइनस है माइनस 25b माइनस है प्लस 25 प्लस 25b माइनस है ये 50 बढ़ाएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 by a square minus b square a ln 2 minus 3b by 2 plus 25b minus 25a तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा minus 47 b by 2 plus 47 b by 2 minus 25a a ln 2 into 1 by ठीक है मैच किया किसी का करिए ये सवाल कीजिए ln root 2 root 2 इसको मैं कैसे कर सकता हूँ दो तरीके से कर सकता हूँ एक क्या है tan pi by 4 minus हाँ 1 by tan x 1 minus tan x by 1 plus tan x को मैं कैसे लिख सकता हूँ tan pi by 4 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4 into tan x तो ये क्या बनेगा tan of pi by 4 minus x अगर ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो x की जगह pi minus x करके स्प्लिट करके कीजिए सेम थिंग विल कम आउट ठीक है तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा ln of secant ln of tan x is what? Sorry, integration of tan x is ln secant x into iska differentiation minus limits kya hai? 0 to pi by 4 0 to pi by 4 ठीक है? Sin x tan x का यार integration क्या होता है? log secant x तो है एंड अंदर माइनस x है तो उसका माइनस बाहर लिख लिया आप क्या बोल रहे थे sin x by cos x करके तो नीचे वाले टर्म पर डेरिवेटिव सेम थिंग नो से फ्रॉम दैट ओनली यू गेट दिस इजंट इट sin by cos करो sin by cos करो तो cos को t मानो माइनस sin आएगा फिर माइनस log t आएगा तो log 1 by t आएगा तो log 1 by cos आएगा secant आएगा बट इसके अंदर का माइनस x की वजह से ये माइनस है माइनस आएगा तो यहाँ से क्या बनेगा अप्रोप्रिएट निकल अगर ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा है तो क्या करोगे मेरे फॉर्मूला क्लिक नहीं हुआ तो ये ऐसे लिख सकते हैं तो क्या करोगे लंबा मेथड लंबा मेथड आप क्या करोगे a माइनस x लगाओ x की जगह पाई बाई फोर माइनस एक्स पाई बाई फोर माइनस एक्स उसके बाद करके देखो क्या बचेगा वो करके देखो That's okay, practice होगा करके देखिए अभी
दूसरा वाला ये अयोटा इसका इसका पचास जीरो टू टू में क्या होगा जीरो टू पाई बाई टू पॉजिटिव पॉजिटिव का पाई टू माइनस पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू नेगेटिव में जाएगा ना तो माइनस कॉस नहीं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस रखना पड़ेगा ना मतलब मैं मॉड को निकाल के ही सॉल्व कर रहा हूँ इसका आयोटा बोल रहे हैं लोग ठीक है इसका माइनस इसका वन का बोला टू बोला और बोलो तीसरा दो चार मेरा यू लोग कहाँ से आया लोग चार बोल रहे दोनों का टू दोनों का चार और सुनाओ बैड पीपल यस एरिया फाइंड आउट करते वक्त एरिया को माइनस पॉजिटिव लेके चलते हैं इंटीग्रेशन नेगेटिव भी आ सकता है दैट्स ऑल राइट वैसे तो इंटीग्रेशन हम एरिया को स्पेसिफाई करते हैं बट व्हेन यू आर फाइंडिंग द एरिया अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं उसके हिसाब से हम एरिया का साइन डिसाइड करते हैं इसका क्या आएगा तो मैं e पावर आई एक्स बाई ई पावर माइनस आई एक्स लिख सकता हूँ इंटू जीरो टू पाई बाई टू तो ये क्या बनेगा डी एक्स विल बी जीरो टू पाई बाई टू ई पावर टू आई एक्स डी एक्स दिस विल बी टू आई इंटू ई पावर टू आई एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू ठीक है बनेगा टू आई डिवाइडेड बाय 2i 1 बाय 2i टाइम्स e पावर 2i y बाय 2 माइनस e पावर 2i इनटू 0 तो क्या बनेगा 1 बाय 2i होता e पावर i पाई इज cos पाई प्लस i sin पाई माइनस cos 0 माइनस बेसिकली माइनस आई साइन जीरो तो ये क्या बना दिस इज वन बाई टू आई माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई आई विच इज आई इसका क्या बनेगा आई लेट में कौन पहले आएगा एक्सपोनेंशियल लास्ट है तो ये v हो गया ये u हो गया u uv का फॉर्मूला क्या होगा uv इज इक्वल टू u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v dv dx तो u कौन है इसमें x e पर x इंटीग्रेशन e पर x माइनस इंटीग्रल u डैश इज 1 इनटू e पर x dx तो अल्टीमेटली क्या बना x e पर x माइनस e पर x फ्रॉम व्हाट पॉइंट टू व्हाट पॉइंट 0 टू 1 तो ये लगाऊंगा तो क्या आएगा 1 इंटू ई पावर 1 माइनस ई पावर 1 माइनस 0 इंटू ई पावर 0 माइनस ई पावर 0 तो ये क्या बनेगा 0 माइनस माइनस 1 विच इज 1 ठीक है ये क्या आएगा क्या हुआ 4 आएगा बेसिक 0 to 2 pi cos x का mod dx तो 0 to pi by 2 cos positive है cos x dx
प्लस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू माइनस कॉस एक्स है डी एक्स प्लस थ्री पाई बाई टू से टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। ये क्या बनेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। तो ये क्या बनेगा साइन पाई बाई टू इज वन माइनस जीरो प्लस प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू। तो माइनस साइन थ्री पाई बाई टू इज वन माइनस प्लस साइन पाई बाई टू इज वन प्लस। ये क्या बनेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन sin x from 3 pi by 2 to 2 pi. So sin 2 pi is 0 minus sin 3 pi by 2 is minus 1. So it happens ultimately 2 pi. Four cases happen. Four. Then I have to write it again. Minus. ठीक है। नेक्स्ट सवाल 0 टू पाई एवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो बेसिकली मैं वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा 0 टू पाई आई इज इक्वल टू इसको लेके क्या बनेगा log of 1 plus cos pi minus x dx। तो क्या बनेगा 0 टू pi log 1 minus cos x dx। दिस इज अनदर i। इफ आई डू i plus i इफ आई डू 2i इज इक्वल टू i plus i क्या आपका इंटीग्रल 0 टू pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x dx। ये देखो एक पाई एक आई तो ये ले लिया दूसरा ये लिया लॉगरिदम में एडिशन है तो अंदर के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है दिस प्लस दिस इज लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। तो लॉग ए बी तो ये क्या बना 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्या बनेगा 2 0 टू पाई log sin x dx। नाउ sin पाई माइनस x करूंगा तो क्या आएगा ये 2y इज इक्वल टू है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 टू पाई log sin x dx। अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ 0 टू पाई लॉग साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या बनेगा 0 टू पाई लॉग साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स डी एक्स। ठीक है एलएन मान के चलिए इसको जीरो पे कितना जा रहा है ये फंक्शन लॉग जीरो कितना होगा ये नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट होगा ना और पाई पे नॉट डिफाइन पाई बाई टू पे जीरो जीरो हो रहा है।
पाई पाई बाई टू। तो ये कर्व 0 टू पाई बाई टू के बीच में सिमेट्रिक रहेगा। 0 पे ये इनफाइनाइट है सोच लीजिए, और पाई बाई टू पे 0 बन रहा है, फिर पाई पे नेगेटिव बन रहा है। हां वही सही है, वाले सबसे छोटा वाला है। जीरो पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ना, नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। हाँ, और पाई बाई टू पे 0 और पाई पे नेगेटिव इनफाइनाइट, करेक्ट। तो इफ आई ट्राई टू फाइंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन 0 टू पाई बाई टू एंड इफ आई ट्वाइस इट, क्योंकि ये कर्व जो है 0 पे नेगेटिव इनफाइनाइट है, पाई पे भी नेगेटिव इनफाइनाइट है और पाई बाई टू पे 0 है, तो ये ऐसे बढ़ के एक सिमेट्रिक कर्व बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 टू पाई बाई टू एवेल्युएट करके इसको इंटू 2 कर दूं तो सेम आएगा आंसर, ठीक है। इसको मैं अगर 0 टू पाई बाई टू लॉग ई साइन एक्स ये कैलकुलेट करूं तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये साइन पाई बाई टू माइनस करोगे तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू लॉग ई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ये समझ में आया मैंने कैसे दिया। 0 पे इसका वैल्यू क्या बन रहा है, लॉग 0, लॉग 0 इज नेगेटिव इनफाइनाइट, और पाई पे भी इसका वैल्यू क्या बन रहा है, साइन पाई इज नेगेटिव वाली इज नेगेटिव इनफाइनाइट, बट पाई बाई टू पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये बेसिकली एक सिमेट्रिक कर्व बनेगा, कुछ ऐसे रहेगा। तो इसका मैं 0 टू पाई बाई टू इसको इवैल्यूएट करूं और इसको इनटू 2 कर दूं तो सेम आएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये 2 0 टू पाई बाई टू log e sin pi by 2 minus x is cos x dx। फिर यहां से मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूं, ये i वाला फिर से एक मिनट, हां sin sin 2x बना तो मैं फिर से चेंज कर सकता हूं। हां हो गया, सवाल हो गया, नॉट वरी। तो फिर मैं i प्लस i कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 0 टू पाई बाई टू लॉग ई, क्योंकि एक आई 2 लॉग कॉस है, दूसरा है 2 लॉग साइन है, टू कॉमन कॉमन निकल गया और साइन इंटू कॉस साइन 2x माइनस वन बाई टू होगा ना, ठीक है। हाँ तब ये क्या बना, फिर ये क्या बना, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू लॉग ई 1 बाई टू प्लस लॉग ई साइन 2x dx। तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये 2 2 कट गया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग माइनस लॉग 2 बेस ई इंटू पाई बाई टू माइनस 0, ये डी एक्स रहेगा ना यहाँ पे, प्लस इसका क्या बनेगा, 0 टू पाई बाई टू लॉग टू द बेस ई साइन 2x डी एक्स। 0 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0, और पाई बाई टू पे से वही जीता है ना, वही जीता एक मिनट। 0 पे ये फंक्शन क्या बनेगा, साइन 0 सेम थिंग, पाई बाई टू पे साइन पाई, तो ये एक तरीके से आई बन गया ना, बट इस तरफ भी मेरा आई है, इस तरफ 2i होना चाहिए।
गया था वो 2x को t पुट करो, 2x को अगर मैं इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, इसको सम i ले लीजिए, मतलब इसमें 2x is equal to t पुट करूंगा 2dx is equal to dt if x is 0 then t is also 0 if x is pi by 2 then t is pi. तो ये कैसे वैल्यू होगा, 0 टू पाई लॉग साइन टी बेस ई 2 डी टी बाई 2, ठीक है. तो ये क्या बना 1 बाई 2 आई, और यहाँ पे क्या है i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 टू द बेस ई. तो ये क्या बनेगा, I minus I by 2 is equal to minus pi by 2 log 2 to the base e. तो ये I is equal to क्या बनेगा, minus pi log 2 to the base e. समझ में आया, ये कुछ बड़ा ही लंबा सा नहीं, ये टेक्स्ट बुक सवाल है, ये सिर्फ नहीं है. मैंने क्या बोले था, क्या बोला था, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एक्स. ये एक सवाल था. दूसरा सवाल क्या पूछा था, 0 टू ए, 0 टू ए रूट एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. और क्या पूछ सकता हूँ मैं, अगर मैं पूछूं 0 टू पाई बाई 6 साइन थीटा डी थीटा, या मैं पूछूं 0 टू 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स, या मैं पूछूं 2 by x and x dx. बताइए यहाँ क्या आया, ये क्या आना चाहिए पाई बाय 4, ये ए बाय 2, ये ये 0, ये माइनस 2 वैल्यू
ये सबको आया पाई बाई फोर। वही एक प्रॉपर्टी लगानी है ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, लगाएंगे तो क्या होगा, ये साइन कॉस बनेगा, ये कॉस साइन बनेगा, ये कॉस साइन कॉस बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कटोगे वन हो जाएगा। ठीक है, तो टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू वन डी एक्स, तो पाई बाई टू आएगा, टू वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ये और ये सेम सम है, ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, सबको आया पाई बाई फोर, सबको आया, सबको आया, ठीक है, ये भी सबको आया, सबको आया, yes. ये भी सबको आया, ये इसमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, साइन क्यूब को आप लिखो, साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा इनटू डी थीटा, फिर इसको लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, देन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी डी, ये क्या बनेगा, वन माइनस पी स्क्वायर माइनस डी पी, डिविड्स में चेंज होंगे इसके, when this is zero, when my theta is zero, it will be one. If my theta is 30, it will be last one zero. Root 3 by 2. 5 by 6 na? 5 by 6 is 30 degrees. 30 degrees is root 3 by 2. Proper. So it will be 1 to root 3 by 2. D square minus 1. Dt. It will be d cube by 3 minus t from 1 to root 3 by 2. ये क्या बनेगा, 3 root 3 by 8 into 3 minus root 3 by 2 minus 1 by 3 minus 1. तो ये क्या बनेगा, ये गया root 3 common लो, तो 1 by 8 minus क्या बनेगा, ये 4 3 by 8 minus प्लस 2 बाई 3, ऐसे ही कुछ बना, ये क्या बना है 3 रूट 3 बाई 8 प्लस 2 बाई 3, करेक्ट, 3 रूट 3 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, किसी का आंसर मैच किया, 4 बाई 3 है, मैच किया ना किसी का, वेरी गुड, ये रहा कर रहा हूँ, इसका बताइए, इसका मुझे क्या दिख रहा है, x माइनस वन को अगर मैं t करूंगा तो क्या बनेगा, dx इक्वल टू dt, और लिमिट्स कैसे वेरी करेंगे, लिमिट्स अगर मेरा x जीरो है तो t माइनस वन है, अगर मेरा x टू है तो t प्लस वन है, तो ये कैसे चेंज होगा, माइनस वन टू प्लस वन, t स्क्वायर साइन t बाय t स्क्वायर प्लस cos t, ठीक है, cos t इवन फंक्शन है, t स्क्वायर इवन फंक्शन है, t स्क्वायर इवन फंक्शन है, बट साइन t ऑड फंक्शन है, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या बन रहा है, ऑड फंक्शन बन रहा है, तो ऑड फंक्शन माइनस a टू है, ऑड फंक्शन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बना 0, आते दो, अच्छी बात है, रब कर दो, रब कर दो, लिख लोगे, कुछ नहीं, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू t, आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैसे यही से दिख रहा है, ये इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, बट जस्ट टू एंश्योर इट इज फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, मैंने x माइनस वन इज इक्वल टू t लगाया, तो ये माइनस वन टू प्लस वन, t साइन t, t स्क्वायर प्लस कॉस t, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ओवरऑल ऑड फंक्शन, माइनस वन टू वन ऑड फंक्शन dx इज इक्वल टू 0, ये वाला क्या आया, 0 टू 2 पाई को मैं कैसे स्प्लिट करूं, साइन एक्स कहां का पॉजिटिव है, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स
डी एक्स, फिर पाई से टू पाई, पाई से टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो ये क्या बनेगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन क्या होगा, आई ले अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, तो ये यू वी, तो क्या बनेगा, यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी माइनस इंटीग्रल यू डैश इंटीग्रल वी, तो यू कौन है, एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई, इसके बाद माइनस इंटीग्रल यू डैश इज वन और इंटीग्रल दिस इज कॉस एक्स, तो ये प्लस बनेगा डी एक्स, तो ये क्या बनेगा अल्टीमेटली, इंटीग्रल ऑफ साइन कॉस एक्स इज साइन एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई, तो ये तो क्या बना, जीरो बना, ये क्या बनेगा माइनस पाई इंटू माइनस वन माइनस जीरो, तो यहाँ से ये पाई बना, ठीक है, और ये वाला क्या आएगा, माइनस बाहर रखिए एक्स साइन एक्स का माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फ्रॉम व्हाट पॉइंट टू व्हाट पॉइंट, पाई से टू पाई, तो ये क्या बनेगा, माइनस बाहर है माइनस टू पाई प्लस जीरो माइनस माइनस पाई प्लस जीरो, ठीक है, माइनस पाई नहीं है प्लस पाई बनेगा, isn't it, 2 pi into cos 2 pi is minus minus 2 pi cos 2 pi is cos 0 1 plus sin 2 pi is 0 minus minus वाला वो ये minus इधर है pi यहाँ पे आ गया और cos pi is minus 1 तो ये plus pi बन गया, तो ultimately क्या बना minus 2 pi minus pi which is equal to 3 pi, और यहाँ पे क्या बन दी pi है pi plus 0 plus 0 plus ये, तो क्या बना अल्टीमेटली 4 पाई बना एंड इट इज गिवन एज k पाई, सो k इज इक्वल टू 4, वेरी गुड सर, x sin x का ग्राफ लाइन तो 0 टू 2 पाई तो कोस भी नहीं, x sin x अगर आप ग्राफ बनाओगे, sin x का ग्राफ कैसे रहेगा, ये ठीक है, और x का ग्राफ रहेगा कैसे, मल्टीप्लाई मैं इस पे डिसाइडिंग नहीं कर सकता, अगर प्लस है तो मैं इस पे राइट कर रहा है बोल सकता हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मैं दोनों को पॉइंट बाय पॉइंट, अच्छा x sin x ऐसे ड्रॉ करके इसमें sin x वो कराओगे, नहीं इसमें होता है x sin x ऐसे करते हैं प्रॉपर, हां x sin x है उसको y इसको x sin पे करोगे नहीं जी, नहीं वो प्लस होगा ना, प्लस जब x plus sin x होगा तो x वाले लाइन पे वो राइट करेगा, अगर x plus sin x है तो ये लाइन पे sin x ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, जब इनटू है तो प्रॉपर्ली एक लाइन ये बनाओ पॉजिटिव एक लाइन नेगेटिव बनाओ और उनके बीच में sin से डाल, प्रॉपर नाइस, उसके नेक्स्ट वाला क्या आया, एक्स स्क्वायर पर ये रख कर दो, कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का मैं करूंगा तो क्या आएगा, जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स आई ले फिर से, तो ये यू बना ये वी बना, ठीक है, तो क्या बनेगा, यू वी रूल इज इक्वल टू
u integral u minus integral u dash integral v. So x square cos x square integration, cos x square integration minus cos x square integration sin x minus, इसमें 0 to pi put कर दीजिए, integral 2x cos x dx 0 to pi. ये तो गया 0, क्योंकि pi पे sin 0 है, 0 पे sin 0 है, तो ये गया. ये क्या बना? माइनस, आगे ये u ये v, तो ये क्या बनेगा? माइनस को बाहर लिख लीजिए, तो ये क्या बनेगा? x sin x from 0 to pi minus integrand sin x dx from 0 to pi. ये क्या बन गया? ये फिर से 0 बना, तो ये क्या बना? 2 times minus cos x from 0 to pi, तो ये क्या बना? minus 2 times cos pi plus 2 cos 0, तो ये 2 minus ये 2 plus 2 4 बना, right? proper. इसका क्या बना? इसका इसका आपका कितना है? सबका minus 2 pi, minus 2 pi आया, तो अब मैं फर्स्ट साइड से कर रहा हूं, तो sin x cos x cos x u v है ना, u इंटीग्रल cos x का sin x है, सर इसका यहां पे सर ऊपर फर्स्ट द यस सर cos x sin x तो ये क्या बनेगा? माइनस टू बाहर लिख दिया, x cos x माइनस from this is 0 to pi integration cos x dx minus ये क्या बना? sin x 0 to pi, ये बन गया 0, तो ये क्या बनेगा? minus 2 times pi into minus 1 minus 0, तो ये क्या बनेगा? 2 pi बनेगा, minus already है, तो ये minus 2 यहाँ क्या किया मैंने, ये पाई आ गया पहले, cos pi is minus 1 minus 0, तो minus pi into minus 2 pi is 2 pi आया, proper. ये minus मैंने बाहर लिख दिया, 2 बाहर लिख दिया, sin का minus cos होता है, फिर कौन sin का minus cos x होता है, minus वाले का ये plus है, proper. ठीक है, तो आते तो इधर आ कर रहे, आते तो इधर आ कर रहे. हाँ, next इसका क्या आया? तो इसमें तो पार्ट फेवर के ऊपर छोड़ रहा है. अगेन इसमें कौन क्या है? लॉगरिथमिक इज यू, अलजेब्रिक इज दिस इज यू, दिस इज ना दिस इज यू, दिस इज सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो डेरिवेटिव होगा तो फिर 1 बाय x एक्स कैंसिल नहीं होगा, अगर पहले एक्स को t ले ले तो वो e में चला जाएगा. I don't see derivation, substitution करने की जरूरत नहीं है ना, इनमें करके देख लेता हूँ. root x का integration मुझे पता है, log x का integration मुझे पता है, derivation भी मुझे पता है, differentiation. तो क्या होगा ये? ln x into u v का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v. तो u कौन है? ln x इंटीग्रल v. रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1. लिमिट क्या है मेरा? 1 टू e. ठीक है, माइनस उसके बाद क्या करो? u डैश इज इंटीग्रल 1 बाय x इंटू इंटीग्रल में इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स इज एक्स पावर ऑफ 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 प्लस 1. तो ये क्या बना? ये बनेगा आपका ln e इज 1 इंटू e टू द पावर ऑफ v बाय 2 इंटू 2 बाय 3 माइनस, ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और ये 1 बाय x और ये प्लस 1 कट जाएगा, और ये 2 बाय 3
into integration of root x is again 2 by 2 into x power 3 by 2 from 1 to e. ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 by 3 for 3 by 2 minus 4 by 9 into 1 to e. तो e for 3 by 2 minus 1. ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 by 3 minus 4 by 9 into e power 3 by 2 plus 4 by 2. ठीक है, next last वाला क्या बनेगा, question is wrong, whatever it is right, question is wrong. sin 2x log tan x, तब तो क्वेश्चन हो गया ना, 0 to pi by 2 पे सीधा चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब ये क्या बनेगा, ये sin 2x जो है sin में ही रहेगा, ये cot बन जाएगा. cot को उल्टा लिखूंगा तो मतलब tan को pi by 2 में लिखूंगा तो वो cot बन जाएगा, तो ये negative sin के साथ आएगा, i is equal to minus i आएगा, 2i is equal to 0 आएगा. समझ में आ रहा है, 0 to pi by 2 sin 2x log tan x. तो आप सेम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, 0 to pi by 2, क्योंकि यहां पे तो ये चक्कर नहीं है ना, 0 to pi by 2 ही कर रहा हूं, ये कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है, कोई डिस्कंटीन्यूटी आ ही नहीं रहा है पॉइंट, तो अभी प्रॉपर होगा. ये क्या बनेगा, sin 2 into pi by 2 minus x log tan pi by 2 minus x dx. तो ये क्या बनेगा, 0 to pi by 2 sin pi minus 2x, ये क्या बनेगा, log cot x dx. तो ये क्या बनेगा, pi minus 2x is 0 to pi by 2 sin 2x, ये log of 1 by tan x dx. तो ये क्या बनेगा, minus integral 0 to pi by 2 sin 2x log tan 2x dx, i is equal to minus i, 2i is equal to 0, i is equal to, ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रहा, ये x है, right? Another question. Write down the last question. If e power y is equal to, if e power y, e to the power of y is equal to x to the power of 1 by x. If e to the power of y is equal to x to the power of 1 by x, then y has option A, maximum at x is equal to e, option B, minimum at x is equal to e, option C, maximum at x is equal to 1 by e, option D, minimum at x is equal to 1 by e. कुछ नहीं यार, y कब कहां maximum होगा या minimum होगा पूछ रहा है, y at e is equal to at x is equal to e maximum होगा या at x is equal to e minimum होगा, या at x is equal to 1 by e maximum होगा या x is equal to 1 by e minimum होगा, x equal to e maximum होगा, what will be the maximum value, x equal to e 1 by e minimum 1 by e. Next. ये कुछ नहीं, पूछे जी कर last question. The optimum value of the function, the optimum value of the function fx is equal to x square minus 4x plus 2. The optimum value of the function.
ऑप्टिमम वैल्यू ऑप्टिमम ऑप्शंस में दिया है टू ब्रैकेट में मैक्सिमम टू ब्रैकेट में मिनिमम माइनस टू ब्रैकेट में मैक्सिमम माइनस टू ब्रैकेट में मिनिमम दी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन दी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस कितनी Both minimum and maximum are optimum values only. Optimum value भी होता है, optimum f भी होता है. Optimum f मतलब either वो maximum point हो या minimum point हो. Optimum value मतलब put करने के बाद. Fine, there are few more questions but it's all right. Maybe we can write. There is last question. No. Simple question only. मैं ऐसे question भी complete नहीं करूँगा आप answer बोल दो रे. ठीक है? For example, if fxy is equal to 4x square plus 6y square minus 8x minus 4y plus 8. ठीक है? If fxy is this, then the optimum value of fxy. Yeah. Then the optimum value of fxy. कल हमने maximum minimum पे किया था, but मैंने optimum optimum value को just नहीं कराया. Optimum value is also a minimum value or a maximum value. बस वो करो तेरा. This is last, my promise. Okay. इसके लिए क्या करना है इसके लिए क्या करना है क्या क्या पता करना है इसका p क्या होगा इसका p होगा 8x minus 8 इसका q क्या होगा 12y minus 4 एक ही नहीं this is a function in two variables optimum value मतलब मुझे maximum minimum निकालना है तो मुझे p q पता करना है फिर उन दोनों से एक पॉइंट पता करनी है p is equal to 0 करके q is equal to 0 करके मैं दोनों को सॉल्व करके एक पॉइंट ले आऊंगा वो पॉइंट क्या होगा x is equal to 1 y is equal to 1 by 3 तो पॉइंट क्या होगा 1 minus 1 comma 1 by 3 ये मेरा ऑप्टिमम पॉइंट होगा बट मैंने क्या पूछा है ऑप्टिमम वैल्यू तो मैं क्या करूंगा r फाइंड आउट करूंगा t फाइंड आउट करूंगा s फाइंड आउट करूंगा और rt minus square evaluate करूंगा if my rt minus square is positive then it has a maximum or a minimum value if rt minus square is negative then it's a saddle point if rt minus square is greater than 0 and r is greater than 0 it is a minimum value if rt minus square is greater than 0 and r is less than 0 it's a maximum value ये important है याद रखना क्योंकि ये आ सकता है माइनस जो ट्रस्ट यू यू नो दैट 10/3 10/3 10/3 और वो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आया 10/3 आया 10/3 आया आया 10/3 कुछ नहीं p q निकाल लिया p को q को इक्वल टू जीरो करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट आएगा x y में ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे r s t पता करना है व्हाट इज r f x x व्हाट इज t मैं कर देता हूँ नोट करिए एक बार सुन लीजिए जिन जिनको याद नहीं है या जो जो नहीं आए कल ठीक है एक बार सुन लीजिए बेसिकली p और q हम पता करते हैं और इक्वल टू जीरो करते हैं
और दोनों को सॉल्व करके हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं कुछ उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, P1 P2 पॉइंट्स आएंगे। फिर हम क्या करते हैं, R फाइंड आउट करते हैं, S फाइंड आउट करते हैं, T फाइंड आउट करते हैं। फिर R पे LP1, S पे LP1, T LP1। फिर क्या करते हैं, ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा, फिर ये RP माइनस स्क्वायर करेंगे। If this is greater than 0 and R is greater than 0, then it is minimum value. ठीक है? तो मेरा पॉइंट क्या आया यहाँ पे, 1.3। मेरा R बताइए क्या होगा, मेरा R होगा 8। ठीक है? S मतलब क्या होता है, S मतलब YY होता है या XY होता है, XY होता है। तो XY क्या होगा, 0। T क्या होगा मेरा, 12 होगा। ठीक है, R is greater than 0, RT minus S square is also greater than 0. ठीक है, तो whatever is the point is a minimum point. What is the minimum value? f(1, 1/3). तो उसमें लगा दो. So 4 plus 6 by 9 minus 8 into 1 minus 4 by 3 plus 8. तो इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा? ये गया. ये 3 × 2 जा 4 − 2/3 10/3 मिनिमम। यहाँ से पता चल रहा है ना, R is greater than 0, RT minus S square is also greater than 0, तो इट्स अ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, ओके, विल स्टॉप इट टिल हियर। टुमारो एरिया अंडर द कर्व मल्टीपल इंटीग्रल्स, विल ट्राई टू फिनिश ऑफ इंटीग्रेशन टुमारो। गो होम।